यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बिटकॉइन का एक लेवल बता सकूँ कि इसके कौन कौन से क्रिटिकल लेवल्स है और कौन से लेवल के ऊपर हम जाके सेफ हैं और कौन से लेवल के नीचे जाके हम सेफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ईमेल पे कि आखिर बिटकॉइन का चक्कर क्या है, कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 11,000 जा सकता है, 12,000 जा सकता है, और नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। तो ये जो मैं छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बिटकॉइन के क्रिटिकल लेवल्स बता देता हूँ और किस तरह से मैं ये लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप भी इन फ्यूचर इस तरह से लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बिटकॉइंस और ऑल्ट कॉइंस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी सिंपल है और सबसे पहले देखिए मैंने ये वन डे का चार्ट ओपन किया बिटकॉइन का और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो मार्केट डाउन गया था वो गया था एक फैब में डाउन गया था, उसके बाद से अप्रैल में डाउन गया था। तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ओके। तो ये देखिए ये हमारा फैब का डाउन है और ये हमारा अप्रैल का डाउन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फैब का जो डाउन है वहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि 61.8 लेवल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो कहाँ पे आता है, और अप्रैल से भी मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ से भी मैं चेक करता हूँ कि दूसरा गोल्डन रेशियो हमारा कहाँ आता है, मतलब कि बढ़िया सपोर्ट लेवल हमारा कहाँ आता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप में से जिन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यूज़ नहीं किया है तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है पहले और जो लोअर बॉटम है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको ऊपर लेके जाना है और जो ऊपर का टॉप है हाई उस पर क्लिक करके छोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.8 का जो लेवल आता है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह दोनों जो बॉटम्स थे वहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया है और ये लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके, इस तरह से फाइनल होता है, ठीक है। देखिए अभी जो हमारा जो सिनेरियो है बहुत सिंपल समझने के लिए, ये हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं और अभी जो हमारा लेवल जो चल रहा है वो लगभग 8,400 के आसपास करंट लेवल चल रहा है, ठीक है। मतलब सुबह 8,200 था, अभी 8,400 है और यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है कि ये जो है ये सपोर्ट वन है, ठीक है, और ये जो है सपोर्ट टू। तो बहुत सिंपल है, अगर सपोर्ट वन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए ये जो वैल्यू है 9730 इसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम जो हैं वो है ब्लड जोन के अंदर है, मतलब कि यहाँ पे जाके वापस से ये ब्लड के ड्रॉप्स देख रहे हैं, वापस से हम नीचे आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 8,600 जाता है, 700 जाता है, भले 800 जाता है तो भी आप उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लेवल है 9730, क्योंकि हमने जो चेक किया है कि 9730 या 9800 के आसपास जब जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको हमें तोड़ना है। जब ये तोड़ के ऊपर जाएगा, तो अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा बुल रन स्टार्ट होने की कगार पे है, स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन स्टार्ट होने की कगार पे है, ठीक है। और ये जो लेवल है बहुत क्रिटिकल है जो मैंने ये ड्रॉ किया है लगभग 8,200 का, और इसके बाद मैं आपको एक लेवल और बताता हूँ, ये जो लेवल है 7846 का है या आप समझ सकते हैं 7800 का या 7700 का जो लेवल है, ये भी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं तब तक आप ये सोच सकते हैं कि हम पॉजिटिवली एक सेफ जोन के अंदर हैं। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया 7700 या 7800 के लेवल को तोड़ दिया, सेकंड सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, तो हम सीधा वापस से हमारा जो पुराने बॉटम थे वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो बहुत डेंजरस जोन है। अभी हमारी हालत वही है कि ऊपर खाई है और नीचे कुआँ है, ठीक है। तो नीचे ये जो लेवल आता है वापस से हमारा 6,000 का आता है या 6,500 का आता है, वो वापस से हैवी बाइंग जोन है, यानी कि वापस से यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी जो है हम एकदम बीच में खड़े हैं, ठीक है। ऊपर जब तक हम 9,700 क्रॉस नहीं कर सकते तो भी डेंजर जोन है और नीचे तो वापस से डेंजर जोन है, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिकल लेवल्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि बिटकॉइन के आखिर कौन कौन से लेवल्स करेक्ट हैं और कहाँ तक जा सकता है कहाँ तक नहीं जा सकता है, तो ये चार्ट आप देख के आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और थोड़े भी अगर आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और नए अपडेट्स साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।